वालेकुम, न्यूज प्लस के साथ मैं हूँ रोहा बदलशाह। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। कराची का मौसम एक बार फिर खुशगवार। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला एक बार फिर शुरू। सोराब, गुड़, गुलस्तानी, जौहर, गुलशन इकबाल समेत मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज सबसे ज्यादा बारिश नॉर्थ कराची में रिकॉर्ड की गयी। वज़ीर आज़म ने एक इल्ज़ाम पर अपने तमाम खानदान को एहतसाब के लिए पेश किया। मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि पनामा लीक ने वज़ीर आज़म का नाम नहीं, वज़ीर आज़म ने पेश होकर साबित कर दिया कि किसी को एहतसाब से इस्तिस्ना हासिल नहीं। पंजाब चौरंगे के करीब ज़ेरे तामीर सब मरीन अंडर पास में दो बच्चों के डूबने का वाकया। स्पेशल सेक्रेटरी बल्दियात न्याज सोमरो कहते हैं कि ट्रैफिक पुलिस और अमले ने अवाम को बहुत रोका, बारिश का पानी जमा होने पर लोग बड़ी तादाद में नहाने आ गए। वजीर खजाना इसहाक डार से चीफ शुमारियात आसिफ बाजवा की मुलाकात। चीफ शुमारियात कहते हैं कि मुल्क के 151 अजला में खाना और मरदमशुमारी मुकम्मल हो गई है, मरदमशुमारी के नतायज का ऐलान मुकर्रर वक्त तक कर दिया जाएगा। और सानिया अहमदपुर शिरकिया में जाँ बहक अफवाल की तादाद 177 हो गई। अस्पताल जराए के मुताबिक सानिया अहमदपुर शिरकिया का एक और जख्मी दम तोड़ गया, 40 साल के इब्राहिम जिन अस्पताल के बर्न यूनिट में जेरे इलाज था। हेडलाइंस आपने जानी, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।